हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग मैं सर पूजा वराडे एंड टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द हीमोफीलिया इन आवर लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द एक्स एक्सलिंग रेसिस डिसऑर्डर्स एंड इन विच वी ऑल्सो लर्न द वन एग्जांपल एंड दैट इज कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा था कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कैसे होता है और उसमें क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस जिस भी पर्सन को होता है वो किस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है तो एक्स लिंक रेसिस्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है देन ये भी पढ़ा था कि उस पर्सन को रेड एंड ग्रीन इन दोनों कलर में से को डिस्टिंग्विश करना नहीं आता उसको दोनों भी कलर कैसे लगते हैं ग्रे कलर के लगते हैं सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक बाय टेकिंग अनादर एग्जांपल एंड दैट इज एक्सलें रेसिसिव डिसऑर्डर हीमोफीलिया सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है सो हीमोफीलिया इज़ द डिसडर एक्चुअली इट्स नॉट अ डिसीज़ ठीक है ये आप दिमाग में डाल दीजिएगा इट्स नॉट अ डिसीज़ ठीक है कि ये क्योर नहीं हो सकता अगर डिसीज और डिसीज डिसऑर्डर में आपको पता नहीं है कि क्या क्या होता है सो so, ये ध्यान में रखिएगा कि डिसीज जो होता है वो क्योर हो सकता है क्योर हो सकता है मतलब ठीक हो सकता है ठीक है लेकिन डिसऑर्डर ऐसी चीज़ है जो एक बार हो जाए तो आप उसको क्योर नहीं कर सकते मतलब ठीक नहीं कर सकते और लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा सो so, ये भी एक टाइप का डिसऑर्डर है सो वॉट इज़ हीमोफीलिया सो हीमोफीलिया क्या होता है हीमो देखिए ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड है हीमो राइट right? हीमो जब भी वर्ड आता है तो वो ध्यान में रखिएगा कि वो रिलेटेड टू है ब्लड मतलब जब भी ब्लड वाली जो चीज़ें आती है ना तो उसको हम हीम लगा देते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन देखा ना आपने हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है राइट right? सो so, उसको भी हीम प्रेजेंट होता है जब भी कोई भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ आती है तो ध्यान में रखिएगा आपको कैसे आ, मतलब कैसे आपको ध्यान में आएगा कि ये ब्लड से रिलेटेड है तो वो होता है हिम ठीक है सो फीलिया फीलिया मतलब होता है लोअर मतलब नीचे चले जाना ठीक है सो हीमोफीलिया मतलब होता है जो ब्लड है उसका लेवल नीचे जा रहा है कुछ तो गड़बड़ है ठीक है सो हीमोफीलिया मतलब ब्लड से रिलेटेड है इसको हम ब्लेंडर्स डिसीज भी बोलते हैं ठीक है वॉट इज ब्लेंडर्स डिसीज ब्लेंडर्स मतलब ब्लीड हो जाता है ठीक है ब्लीड हम किसको बोलते हैं जब बहुत ज्यादा खून बहता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं ब्लीडिंग हो रहा है ब्लीडिंग हो रहा है राइट सो so, उसी हिसाब से इसको ब्लेंडर्स डिसीज बोलते हैं एक बार डेफिनेशन देख देते हैं फिर आपको समझ में आ ही जाएगा कि इन विच ब्लड फॉल टू क्लॉट और क्रैगलेट वेरी स्लोली मतलब इस पर्सन को जिसको हीमोफिलिया हुआ है उसका जो ब्लड होगा वो फॉल टू क्लॉक फॉल टू क्लॉट मतलब वो क्लॉट नहीं होगा या फिर क्वेगुलेट नहीं होगा अगर हो भी रहा है तो बहुत स्लो होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी लगता है ठीक है आपको अगर चोट लगी उंगली पे चोट लग गई है तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है क्वेगुलेट हो जाता है राइट right? अगर आप नॉर्मल हैं तो वो जो ब्लड है वो क्वेगलेट होगा फाय क्यों क्वेगलेट होगा अगर वो क्वेगलेट नहीं होगा नहीं रुकेगा आपने जब देखा होगा क्वेगलेट मतलब एक गाढ़ा ब्लड हो जाता है हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से तैयार हो जाता है ताकि बाकी जो ब्लड है अंदर का वो बाहर ना निकले राइट वो वहीं पे रुक जाता है so, सो उसको हम बोलते हैं क्वेगुलेट लेकिन इस पर्सन में क्या होता है जो भी ब्लड है वो क्लॉट ही नहीं होगा अगर क्लॉट ही नहीं हो रहा है या फिर स्लोली क्लॉट हो रहा है तो वो जो पर्सन हो तो डेढ़ हो जाएगा अगर सपोज उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया ठीक है अगर एक्सीडेंट में उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है तो जो भी खून है वो तो बह जाएगा बह जाएगा उसको हॉस्पिटल में ले ले जाने तक तो, तो वो मर ही जाएगा बंदा राइट सो so, इस सिचुएशन में ये जो है वो क्वेगुलेट होना क्या हो जाता है बंद हो जाता है इस पर्सन में ठीक है अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो उसमें फटाक से क्या हो जाता है ब्लड क्लॉट हो जाता है और हम क्या कर सकते उसकी जान बचा सकते लेकिन इन लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो क्वेगुलेट नहीं होता और ये क्योर भी नहीं हो सकता सो so, ये जो है वो एक्सक्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है हमने एक्सक्रोमोज़ोम के बारे में पढ़ा था राइट सो so, इसके जो जीन्स हैं मतलब हीमोफीलिया के और कलर ब्लाइंडनेस के वो आसपास ही हैं क्वीन विक्टोरिया जो है उनके जो आ, मतलब जो भी जनरेशन है क्वीन विक्टोरिया की उनमें ये क्या होता फाइंड आउट हुआ था इन एटीन ओके So, में क्या हुआ था जो क्वीन विक्टोरिया थी उसमें ये पाया गया था एक्सरेसिव डिसऑर्डर यानी कि हीमोफीलिया उनकी जो फैमिली थी आपको पता है ये जो एक्स लिंक्ड हो वाई लिंक्ड है वो क्या होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं देन एक बात और ध्यान में रखिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है सॉरी क्या है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्रिस क्रॉस क्या होगा सो क्रिस क्रॉस ये होता है कि अगर सपोज क्वीन विक्टोरिया के जो फादर थे उनको ये क्या था हीमोफीलिया था ठीक है सो ये जो है वो फादर से डॉटर में जाएगा ठीक है फिर डॉटर से उसका जो नेक्स्ट जनरेशन में मेल होगा मतलब जो भी लड़का होगा उसमें जाएगा फिर लड़के से लड़की में जाएगा फिर लड़की से लड़के में जाएगा मतलब फ़ीमेल टू मेल मेल टू फीमेल देन मेल टू फीमेल ऐसा क्रिस क्रॉस मतलब अगर आप बहुत से बार देखेंगे कि कंटिन्यूसली अगर वाई क्रोमोजोम पे है तो वो मेल में ही जाएगा मतलब फादर को है तो उसके सन को होगा सन के उसके सन को होगा राइट लेकिन ये नहीं है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है देन ये जो है वो क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में देखा गया था देन जीन्स फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग इज डोमिनेंट। अगर आप नॉर्मल है तो आप में जो जीन प्रेजेंट है नॉर्मल वाला जीन तो वो क्या होता है डोमिनेंट होता है अगर आपको क्या है हीमोफीलिया है मतलब रेसिसिव जीन आर हीमोफीलिया अगर रेसिसिव जीन है तो वो क्या हो जाएगा हीमोफीलिक हो जाएगा एक बार हम याद देख लेते तो, तो आपको शॉर्ट आउट हो जाएगा ये देखिए ये है मेल राइट right. इसमें क्या है एक्स और वाई है ये मेल है इसके ऊपर हमने क्या निकाला है कैपिटल मतलब ये क्या है डोमिनेट डोमिनेट है मतलब क्या है ये जो पर्सन है वो क्या है नॉर्मल है ठीक है ये नॉर्मल हो गया अगर इसी मेल को हमको हीमोफीलिक दिखाना है मतलब उसको हीमोफीलिया हुआ है तो वो जीन क्या हो जाएगा हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे सो so, वो क्या हो जाएगा रेसेस्यू सो so, ये हो गया हीमोफिलिक मेल बोल सकते हैं अभी फीमेल में क्या होगा सो फीमेल में होता है दोनों भी कैपिटल दिख रहे है, एच 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 माने हीमोफीलिया एच ठीक है हम ऐसे ही लेते हैं देन ये क्या है नॉर्मल है दोनों भी कैपिटल है अभी ये क्या है दोनों स्मॉल है मतलब रेसिस्यू है इसका मतलब ये हीमोफिलिक फीमेल है राइट सो ये हो गया हमारा ओवरव्यू अबाउट द हीमोफिलिया ओके okay, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरा साउंड आपको क्लियरली नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आ जाए ओके देन अभी हम पढ़ लेते हैं कि इसका जो एग्जांपल है हम जैसे कलर ब्लाइंडनेस का एक एग्जांपल लिया था अगर हीमोफीलिक मेल जो है ठीक है अगर हीमोफिलिक मेल क्या होता है अगर नॉर्मल फीमेल से शादी कर लेता है तो नेक्स्ट जनरेशन में किसको ट्रांसफर होगा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आ, हीमोफिलिक मेल है और नॉर्मल फीमेल है तो वो जो जीन है वो किसको ट्रांसफर होगा अभी हमने क्या देखा था क्वीन विक्टोरिया का एक एग्जाम्पल देखा था कि उसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है मतलब क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्या होता है एक्चुअली इसको इसको क्या बोलते हैं क्रिस क्रॉस बोलते हैं ठीक है ठीके? ये मेल है तो ये जो है वो फीमेल में चला जाएगा अगर फीमेल में है नेक्स्ट जनरेशन में मेल में फिर फीमेल में फिर मेल में इसको हम क्या बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ठीक है तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं उसके ऊपर से सॉर्ट आउट हो जाएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता सो हीमोफिलिक मेल है मतलब क्या निकालेंगे कैपिटल एक्स एच वाई करेक्ट हीमोफीलिक है हम रेसिसिव डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ये ध्यान में रखिए फीलिंग द ब्लैंक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोफीलिक क्या है और नीचे देते हैं कि एक्स रेसिसू एक्स डोमिनेंट ऐसे दिया जाता है ठीक है तो ये ध्यान में रखिए कि ये क्या है एक्स रेसिसू है अगर रेसिस्यू हुआ आप में प्रेजेंट जीन तो ही आपको हीमोफीलिया होगा अगर डोमिनेंट है तो आपको हीमोफीलिया नहीं है ठीक है so, सो ये हो गया हमारा हीमोफीलिक मेल अभी नॉर्मल है तो किस में क्या हो जाएगा नॉर्मल है तो कैपिटल दोनों भी एक्स वाई यानी मेल एक्स एक्स मतलब फीमेल सो so, अभी इसके गमेट निकाल लेते हैं इसके तो दो गमेट आ गए भाई एक्स एच स्मॉल एच ध्यान में रखिए कैपिटल वाई इधर ये वाले गमेट निकालिए ये क्या है कैपिटल एच इधर भी कैपिटल एच ठीक है अभी क्रॉसिंग करेंगे क्रॉसिंग आपको पता है कैसे करनी है पहला वाला जो होता है वो हम इसके पहले वाले से लेते हैं तो क्या आ गया देखिए एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल स्मॉल एच सॉरी सो कभी भी हम कैपिटल वाला आगे लेते हैं ठीक है अभी आपको ये ध्यान में आ गया होगा देन दूसरा वाला ये वाला जो है वो अब दूसरे वाले से करके लेते हैं so, क्या आ गया एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच राइट अभी ये जो है उसका हम इससे करेंगे x capital h, small, small sorry, sorry, sorry. x capital H H y, Then, इसका वाला आखिरी वाले से सो so, क्या हो गया x कैपिटल H एंड y, so, क्या दिख रहा है सो so, ये एक हो गया जिसमें रेसिस्यू है ये एक है जिसमें एक रेसिस्यू है इसमें दोनों भी है मतलब डोमिनेट है मतलब मेल जो आएंगे इसके नॉर्मल आए हैं ठीक है सो फिफ्टी परसेंट जो चीज़ हमें मिली है वो नॉर्मल मेल की मिली है ठीक है और इधर हमें फिफ्टी परसेंट मिला है फीमेल लेकिन फीमेल में देखिए अभी हमने जो पढ़ा क्वीन विक्टोरिया के बारे में उस हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो देखिए अभी ये तो मेल में हुआ था राइट डिसीज सो ये जो है वो ट्रांसफर किसको होना चाहिए था फीमेल को देखिए अभी फीमेल को ही हुआ है ये स्मॉल एज स्मॉल एज किसको ट्रांसफर हुआ है सिर्फ फीमेल को मेल को हुआ है क्या नहीं इसका मतलब जो भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है वो करेक्ट है मतलब मेल से फीमेल में जाएगा फीमेल से फिर मेल में जाएगा बट यहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके पास एक एच डोमिनेंट है और एक जो है वो रेसिसू है सो so, वो जो है एक डोमिनेंट वाले से काम चला लेगी सो so, हम इसको क्या बोलते हैं इन्फेक्टेड नहीं बोलेंगे या फिर हीमोफिलिक नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे कैरियर फीमेल मतलब ये क्या कर रही है सिर्फ इस जीन को कैरी कर रही है मतलब इसके बॉडी में वो प्रेजेंट रहेगा वो कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगी ट्रांसफर करेगी ये हीमोफिलिक नहीं है क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट है मतलब ये जो दो है हमारे पास क्या है 50 परसेंट कैरियर फीमेल 50 परसेंट नॉर्मल मेल अगर हम इन सभी को 100 परसेंट पकड़ते हैं तो ठीक है सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया हो देन इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो